सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। देखिए, शेयर मार्केट में हर प्राइस पर मल्टीवेगर शेयर मौजूद हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जिनका करंट प्राइस तो 400 रुपए से कम है, लेकिन इन फ्यूचर इनमें मल्टीवेगर बनने की पूरी पूरी संभावनाएं नजर आती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, इस लिस्ट में जो पहला शेयर है वो है दर्शन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड का शेयर। देखिए, कंपनी काफी बेहतरीन है और अगर इस शेयर के हम पिछले एक साल के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो करीब 30% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है। देखिए, काफी बढ़िया कंपनी है और अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो देखिए चार्ट स्ट्रक्चर आपको काफी मजबूत नजर आएगा और देखिए पिछले एक साल में ही नहीं, उससे पहले भी इस शेयर ने काफी बढ़िया ग्रोथ दिखाई थी और लॉकडाउन के दौरान जैसे कि आपको पता है सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी और इस शेयर ने भी करीब 50 रुपए का लेवल टच किया था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं शेयर का करंट प्राइस अभी करीब 212 रुपए के आसपास है, यानी कि निचले स्तरों से शेयर करीब 4 गुना होता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने देखिए इस शेयर में समय समय पर आपको रिकमेंडेशन भी दिया है, जब ये 80 रुपए के आसपास था तब से मैं आपको बोल रहा हूं कि इस शेयर में आपको जरूर खरीदारी करना चाहिए। करंट प्राइस के आसपास देखें तो देखिए ये सपोर्ट प्राइस के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो देखिए यहां पर खरीदने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका आपको हो सकता है और देखिए मुझे लगता है इन फ्यूचर इसमें काफी बढ़िया ग्रोथ की संभावनाएं बन सकती हैं और ये एक नेक्स्ट मल्टीवेगर साबित हो सकता है। वहीं नेक्स्ट शेयर की बात करें तो नेक्स्ट शेयर है वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए ये कंपनी भी काफी बेहतरीन है और अगर इस शेयर के हम पिछले एक साल के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो इसने भी अपने निवेशकों को करीब 40% का रिटर्न दिया है। पैसों में बात करें तो 74 रुपए की ग्रोथ इस शेयर में देखने को मिली है। अगर देखिए इसके वीकली चार्ट को हम देखें तो यहां पर चार्ट थोड़ा सा यहां पर ढीला डाला नजर आएगा, लेकिन फिर भी ये कंपनी काफी बेहतरीन होने के कारण यहां पर काफी बढ़िया रिटर्न की उम्मीद भी आपको है। देखिए यहां पर आप देखें तो एक यहां पर रेजिस्टेंस था जो कि यहां पर काफी दिनों से ब्रेक नहीं हो रहा था, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले ही इसने इसमें ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट जो है ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया और शेयर में यहां पर एक बार फिर से प्रेशर देखने को मिला। लेकिन यहां पर आप देखें ये वापस से सपोर्ट लेकर पिछले दो वीक से हाई पर हाई लगाते जा रहा है और देखिए यहां पर मुझे लगता है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए और एक बार फिर जब इस लेवल से ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा तो इस शेयर में आपको तेजी भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में यह शेयर काफी ज्यादा कमाल कर सकता है और आपको ये मल्टीवेगर साबित हो सकता है, तो देखिए आपको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना है और जब आपको सही लेवल लगे तब आपको इसमें करनी है खरीदारी। वहीं नेक्स्ट शेयर की बात करें तो नेक्स्ट शेयर है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड। देखिए ये कंपनी भी काफी बेहतरीन है और यहाँ पर इस कंपनी के भी अगर हम यहाँ पर पिछले एक साल के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो इसने भी करीब 40% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है और करीब 100 रुपए की ग्रोथ इस शेयर में देखने को मिली है और देखिए कंपनी काफी बेहतरीन है, ये इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो देखें यहाँ पर ये गिरावट के बाद इसमें रिकवरी तो देखने को मिली, लेकिन ज्यादा इसमें रिकवरी आती हुई नजर नहीं आई। देखिए बहुत जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसमें आप देखें, आपको यहां पर साफ साफ चार्ट में देखेगा ये जो लेवल है काफी बेहतरीन है और शेयर उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसमें ब्रेकआउट होते ही शेयर में एक काफी बढ़िया धुआंधार तेजी आपको देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि शेयर 2020 के पहले आप देखें यहां पर ऊंचे ऊंचे लेवल आते हुए नजर आ रहे थे, करीब 700 रुपए के ऊपर भी ये ट्रेड करता हुआ नजर आया है, तो देखिए आपको यहां पर काफी बढ़िया जो लेवल है अभी भी आते हुए नजर आ सकते हैं, कंपनी में आपको काफी बढ़िया फायदा भी होता हुआ नजर आ सकता है, तो आपको इस शेयर में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, लेकिन कब करना है वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेना है। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि ये शेयर अगला मल्टीवेगर साबित हो सकता है। वहीं नेक्स्ट शेयर की बात करें तो नेक्स्ट शेयर है टाटा मोटर्स लिमिटेड का शेयर। देखिए टाटा की जितनी भी कंपनीज हैं या टाटा के जितने भी शेयर्स हैं वो सभी कमाल कर रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का शेयर भी पीछे
पीछे नहीं हट रहा है। यहाँ पर आप देखें पिछले एक साल के अंदर इसने अपने निवेशकों को करीब 60% का रिटर्न दिया है। अगर पैसों में बात करें तो 113 रुपए की ग्रोथ इस शेयर में देखने को मिली है। काफी बेहतरीन शेयर है। और यहाँ पर टाटा का अगर आपको कोई शेयर लेना है तो टाटा मोटर्स आपकी पहली च्वाइस होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये शेयर अगला मल्टीवैगन साबित हो सकता है। और अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा संभावनाएं दिखेंगी। यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें तो 299 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और देखिए सपोर्ट लेवल के आसपास ये भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अभी भी खरीदारी का इस शेयर में एक बेहतरीन मौका है और रिबाउंड यहाँ पर हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर तेजी आती है आपको उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह तो रहेगी, लेकिन फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको सलाह लेना है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर काफी बेहतरीन है, आपको ये शेयर इन फ्यूचर दुगना तिगना या चार गुना भी होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ आपको इंतजार करना पड़ेगा। वहीं नेक्स्ट शेयर की बात करें तो नेक्स्ट शेयर है यहाँ वोरोसिल रिन्यूअल्स लिमिटेड। देखिए ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, और देखिए पिछले एक साल के परफॉर्मेंस को अगर देखें तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, करीब 13% के आसपास ही इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि इस शेयर में आपको काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आगे इन फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर भी ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ आपको दिखेंगी। अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां काफी ज्यादा गिरावट दिखेगी, उतनी ही ज्यादा तेजी शेयर में यहां पर दिखेगी। और देखिए यहां पर जो ये लेवल है कौन सा है, करीब 358 रुपए का लेवल, ये इस शेयर के लिए एक संजीवनी बूटी है। जैसे ही इस शेयर में ये लेवल ब्रेक होगा आपको इस शेयर में एक जान आती हुई दिखेगी और ये शेयर एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए एकदम तैयार बैठा होगा। तो देखिए यहां तक एक बार ये शेयर जरूर गया है, लेकिन मार्केट में प्रेशर होने के कारण वापस से नीचे आया है और एक बार फिर से तेजी इसमें बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको नजर रखना है, जितने भी शेयर्स मैंने बताए हैं काफी बेहतरीन फंडामेंटल वाले शेयर हैं और इन फ्यूचर इनमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है और ये शेयर आपको मल्टीवैगर बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस शेयर में इन शेयरों में से किसी में भी खरीदारी करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आपको जरूर पूछना है, और अगर इसमें प्रॉफिट लॉस कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। हालांकि शेयर्स काफी बढ़िया हैं, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर आपके लिए मल्टीवैगर साबित हो सकते हैं। तो देखिए काफी बेहतरीन है, और यहाँ पर इस चैनल पर मैं इसी तरीके के वीडियोस और यहाँ पर IPO से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।